भारत में वही हिंसक शक्तियां सक्रिय थी जिन्होंने केवल 15 वर्षों में पर्शिया से जरथुष्ट को मिटा दिया। सिर्फ 4 साल में ही प्राचीन बेबीलोन और मिश्र को परिवर्तित कर दिया। 1300 साल लग गए, आज भी भारत पूरा परिवर्तित नहीं हुआ है। प्रश्न उठता है कि हिंदू कैसे बच गए? इतने सारे ग्रंथ हिंदू हत्याकांडों और उनकी सभ्यता के विनाश से भरे हुए हैं। इनकी पुष्टि उस समय के यूरोपियन यात्री और हजारों पुरातात्विक प्रमाण करते हैं, जिनको आज सबसे उदार माना जाता है। तोताए हिंद और हिंद की आवाज माना जाता है, वो तुर्क हिंदुस्तान की सरजमी से हिंदुओं का नामो निशा मिटाने की इच्छा रखता था। इसलिए हिंदुओं के बचे रहने का कारण मूर्ति पूजकों के प्रति तुर्क उदारता नहीं थी, केवल हिंदू वीरता भी नहीं है। प्राचीन संस्कृति के लिए लड़ने वाले योद्धा तो पर्शिया और बेबीलोनिया में भी रहे होंगे, यूरोप के पैगनों में भी थे, लेकिन कोई भी प्राचीन संस्कृति को बचा नहीं पाया। इस्लाम डिस्ट्रॉयड द सिविलाइजेशन इन पर्शिया, द बाइजेंटाइन एंड द ससानिद एम्पायर्स वर आल्सो सीरिया, इजिप्ट, एवरी प्लेस। इनफैक्ट इंडिया दे टुक द लॉन्गेस्ट टू कॉन्कर, दे विदिन 100 ईयर्स ऑफ द डेथ ऑफ मोहम्मद, द अरब्स हैड एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर दैट एक्सटेंडेड ओवर पार्ट्स ऑफ यूरोप, the entire Central Asia, Egypt, Iran, Syria, Iraq, within 100 years. And it took them 75 years to conquer just Sindh. And from the time that they started foraying into this area and they went to Kabul Valley, etc., it took 400 years for them to establish a foothold in Punjab. When the Delhi Sultanate was established in 1206, for the first 100 years, they could not add an inch of territory to what Muhammad Ghori had added, because the resistance was so much. प्रतिरोध, आत्मरक्षा के लिए किए गए विश्व के सबसे प्रचंड प्रतिरोध का आत्मबल योग से आया था। भारत की निरंतरता दो पांवों पर टिकी है, शास्त्र और शस्त्र। ध्यानस्थ नारायण की सुरक्षा के लिए नर युद्ध करता था। शास्त्रों के प्रवर्तक आदि योगी भारत में हथियारों के सबसे बड़े सप्लायर माने जाते हैं। उन्हीं के अवतार आचार्य शंकर ने भारत को केवल शास्त्र के नीचे संगठित नहीं किया, उन्होंने साधुओं के 10 नामी संघ बनाए थे। वे दो प्रकार के थे, शास्त्रधारी और अस्त्रधारी। इन्हीं में सबसे बड़ा साधु संगठन रामानंदी संप्रदाय था। भारत की रक्षा में इसका बहुत योगदान है। सोमनाथ के मंदिर में हजारों भक्त भजन करते रहे कि भगवान सोमनाथ हमें बचाएंगे। गजनवी ने उन्हें घात डाला। देश और हिंदू हताश हो गए। तब रामानंदियों ने याद दिलाया कि पूर्ण में से जो निकला है वो पूर्ण ही है। भक्त दीन नहीं होते, भगवान से कम नहीं होते। भक्त भी भगवान को बचाया करते हैं। भक्त ज्ञान और गुण के सागर तो होते हैं, पर अतुलित बल के धाम भी होते हैं। वे पाताल में जाकर भगवान को मौत के मुंह से निकाल लाया करते हैं। इस भक्त ने कभी ये नहीं सोचा कि राम मेरे लिए किस काम के। ये तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं राम के किस काम आऊं, क्या करूं जिससे मेरे राम के मुख पर मुस्कान आ जाए। किसी भी कंपनी या संगठन का सपना होता है कि उसके पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हों। इसीलिए आज भी हनुमान जी लोकप्रिय हैं। भारत का सैनिक आज भी हनुमान जी से प्रेरणा पाता है। वह ये नहीं सोचता कि भारत मेरे लिए किस काम का, वह तो ये सोचता है
कि मैं भारत की रक्षा में कैसे काम आऊं। भारतीयों का विश्वास है कि हनुमान जी मरे नहीं, हमारे आसपास ही कहीं छुपकर रहते हैं। आज भी भारत के गांव में ये प्रसिद्ध है, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। तुर्क भारत को गुलाम बनाने के लिए 40 का दल लाए थे, एक भक्त ने इनका 40 लिखकर तुर्कों की नलियां ही तुड़वा दी। तुर्क मूर्तियां तोड़ते थे, हिंदू हर पत्थर के टुकड़े पर सिंदूर डालकर उन्हें बजरंग बली बना लेते थे। मध्यकाल में भक्ति नहीं होती तो भारत बचता नहीं। भक्ति पर सन 1585 में भक्त नाभादास जी ने एक ग्रंथ लिखा, भक्तमाल, अर्थात भक्तों की माला। नाभादास जी और सूरदास जी ने जिनको भक्त शिरोमणि माना, वो और कोई नहीं तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार माना, गुण गावन से राम के हनुमत हो सहाय। तुलसी हैं भक्तों के चक्रवर्ती सम्राट। सदगुरु चक्रवर्ती सुच सरल संत श्री तुलसी गुण गायक सीताराम जी के। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तुलसी की जीवनी लिखी है। उनके अनुसार तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, वे अकबर से महान थे और उस युग के महानतम मानव थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि उन्होंने उत्तर भारत में स्वयंभू धर्म राज्य स्थापित किया था। भाषाविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है कि बुद्ध के बाद वे जनता के सबसे बड़े नेता थे, आधुनिक समय के महानतम लेखक थे। लेखक एडमोर जे बेबिन्यो ने कहा है कि अगर वे पश्चिम में पैदा होते तो शेक्सपियर से महान माने जाते। निराला उन्हें टैगोर से ऊपर कालिदास और व्यास की श्रेणी में रखते हैं। अर्नेस्ट वुड ने कहा था कि उनकी रामचरितमानस लैटिन या ग्रीक की सभी पुस्तकों में श्रेष्ठ है। कितना अद्भुत है कि उत्तर भारत के निरक्षर ग्रामीण इस विशाल ग्रंथ को कंठस्थ करते आए हैं। प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी जी लिखती हैं, जब तलवारों का पानी उतर गया, शंखों का घोष विलीन हो गया, तब भी तुलसी के कमंडल का पानी नहीं सूखा। हम पौराणिक राम को नहीं, तुलसी के राम को जानते हैं। आज भी जो समाज हमारे सामने है, वह तुलसी का निर्माण है। प्रश्न यह है कि पोंगे पंडितों और बादशाह दोनों का सामना करने की शक्ति तुलसी में कहां से आई? अपनी पत्नी रत्नावली को वे गुरु ही मानते थे, परंतु उनके असली गुरु थे हनुमान जी। और वे ये जानते थे कि हनुमान जी की गुरु हैं सीता जी। हनुमान की शक्ति सीता का ही वरदान है। भारत की निरंतरता मात्र शक्ति की ही निरंतरता है। स्त्री की रक्षा के लिए फेमिनिज्म ने हमें मोमबत्ती जलाना सिखाया है। कभी मात्र शक्ति के अपमान पर भक्त सोने की लंका जलाया करते थे। जो हाथ स्त्री के वस्त्र तक पहुंचे वो उखाड़ दिए गए। अत्याचारियों की छाती के गर्म रक्त से अपमानित स्त्रियों के केश विन्यास सजे हैं। शूरों की अटल प्रतिज्ञाओं ने कभी भारत को महाभारत बनाया था। भारत आदर्श है, त्याग है और वैराग है, लेकिन हम भूल गए भारत अन्याय का सीना चीर देने वाली फौलादी भुजाओं के प्रहार की कहानी है। योग समान बल नहीं और सांख्य समान ज्ञान नहीं, ये बात युद्ध के ग्रंथ महाभारत में कही है। युद्ध के बीचों बीच ये भी कहा गया है कि आत्मा को तलवार नहीं काट सकती। आत्मा अवध्य है,
और शरीर तो वैसे भी नहीं बचेगा। ये बात जो जान गया वो मतवाला हो गया। उसे मौत नहीं हरा सकती, उसको कोई डरा नहीं सकता, उससे डरना पड़ता है। जिनकी सब चाह मिट गई, केवल रण की चाह रही, ऐसे चारण अर्थात चारण थे। चारण तत्वज्ञानी थे, आत्मस्थ थे, शरीर को फटे पुराने कपड़े की तरह त्याग सकते थे। चारण पशु बलि के रक्त लगे काले कपड़े पहनते थे, निर्भय थे, दोनों हाथों में तलवार रखते थे। इनकी स्त्रियां त्रिशूल धारण करती थी, युद्ध में नेतृत्व करती थी, बलि दिए गए पशुओं का रक्तपान करती थी। इनको देवी के समान समझा जाता था। आज भी भारतीय सेना इनसे प्रेरणा लेती है। पूरे विश्व में स्त्री की ऐसी सैन्य निरंतरता दुर्लभ है। चारण युद्धों में भयंकर रक्तपात करते थे। वे सेना के हरावल दस्ते पर रहकर पहला प्रहार करते थे और किले के द्वार पर रहकर शत्रु का पहला प्रहार झेलते थे। हारने के बाद जापान के समुराई की तरह अपने अंगों को काट कर शत्रुओं को श्राप देते हुए जीवन लीला समाप्त कर लेते थे। इस प्रक्रिया को तरगू कहा जाता था। शांति काल में ये ऐसी कविताएं रचते थे, कायर भी शूरवीर हो जाए। अपने काव्य और कर्म से इन्होंने राजपूतों में रण की चाह कभी मिटने नहीं दी। आत्मबल के आवेश में रणबांकुरे आक्रमणकारियों को लगातार हराते रहे, जीते हुए किलों को वापस लेते रहे, लेकिन लगातार होते आक्रमणों का सामना करते करते करोड़ों नरनारी मारे गए। अपवित्र हाथों से बचने के लिए लाखों वीरांगनाओं ने अग्नि से बनी देह अग्नि को समर्पित कर दी। उत्तर में राजपूतों के मानवीय संसाधन क्षीण हो गए, उन्हें आक्रमणकारियों से समझौता करना पड़ गया। तभी दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य पैदा हो गया और लंबे समय तक बना रहा। जब विजयनगर साम्राज्य को 5 मुस्लिम सल्तनतों ने हरा दिया तो मराठे आ गए। न केवल दक्कन बल्कि वे दिल्ली तक पहुंच गए। जब अंग्रेज भारत पर अधिकार कर रहे थे तब भारत में मुगल नहीं मराठा छाए हुए थे। रण की चाह कभी मिटी ही नहीं। आज भारत में जो प्राचीन संस्कृति दिखाई देती है वह मूलतः मराठा प्रभुत्व का परिणाम है। अगर मराठे नहीं होते तो भारतीय संस्कृति मिश्र की तरह संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रही होती। आज भारतीय सभ्यता पर बौद्धिक आक्रमण करने वालों के समर्थन में 1,00,000 कलमें उठती है। इसी तरह मुगलों के लिए जान की बाजी लगाते 1,00,000 राजपूत तलवारें उठती थी। लेकिन वो बिरले मानुष जिनको अपनी मातृभूमि का आगा पीछा नजर आ गया प्रताप हुए। 18 जून 1576 का वो दिन युद्ध शुरू हुआ। राजपूत दोनों तरफ से लड़ रहे थे। अकबर के कमांडर बदायूनी ने युद्ध भूमि में सेनापति आशफ खान से पूछा, शत्रु और मित्र राजपूत में कैसे फर्क किया जाए? आशफ खान ने कहा कि जिधर मर्जी हो गोली मारो, दोनों तरफ से राजपूत मरने चाहिए, आखिर में फायदा इस्लाम का ही होना है। प्रताप जानते थे पर क्या करते। उनकी दहाड़ से ये हल्दी घाटी कांप गई थी। मानसिंह तो किसी तरह दुबक कर बच गया, लेकिन जब उस विशाल काय महाबली की भारी भरकम तलवार बहलोल खान पर पड़ी तो घोड़े समेत शरीर के 2 टुकड़े हो गए। हृदय में आग का तूफान उठा, प्रकृति ने साथ दिया। जून का महीना था, आंधी के बाद कड़क कर एक बार से खून और पानी मिलकर रक्त की तलाई बन गई। बाप बेटा और पोता ग्वालियर के राजा मानसिंह की 3-3 पीढ़ियां एक साथ कट गई और तब हुई प्रताप की मातृभूमि की रक्षा।
Thank you so much, Sangam Talks and their wonderful team, for inviting us here. There are a few things that I would like to share with you. One thing is, after almost a decade, we are back at IIC. We had screened our first film, and the first show was on, the film was History of Yoga. That was in 2012. And this is, again, our first physical screening of this Indian Civilization series at IIC. Thank you so much, Sangam Talks. First of all, I would like to thank our sponsor and real associate, I must say, Shri Vallabh Bhansali ji, who is here. He was to attend his Vipassana, but he cut short one day and he is here. We are very thankful to him. This whole series on Indian civilizations, there are about 17 episodes in Hindi and English separately. They are available on YouTube, so you can watch those films there. And this basically is a series of Indian grand narrative, but it's not, you can't say it's a narrative, because there are so many aspects of narrative. But what we have taken is the yoga. Yoga is the base of our whole, this whole series. And that was the technique on which our, the best of knowledge systems, the processes, the culture, traditions, everything of our endeavors in India were built on yoga. And what was it? Of course, you can see on in our film and History of Yoga, and of course these 17 episodes. And then we have an episode in which we have compared Indian philosophy, or darshan I should say, with the Western Greek philosophy. And this was the episode which we took to US and screened it across in various universities, about 31 places, from MIT to Google headquarters. And that was really appreciated. Very many universities, students and teachers and all that, they did see this. And they could understand that Indian thought is so much beyond the intellect-based knowledge that we have, and that we, the technology and all of that, that we understand and we have. So what is this Indian thought and darshan? They could realize that. And it's very nicely explained in our one of the episodes on dharma. So that is also there. And there is one episode on India, the name of India, the Swaroop of India. And very little is known about India, although the constitution says the very first, this thing, the India, that is Bharat. Or Bharat kya hai, India kya hai, humko aaj tak pata nahi tha, unless we did this research and found out ourselves. So that was one film, and we have named it as India, Child of Nature. And this film was the winner of Indian Panorama at the International Indian Film Festival, Goa, this year. And then we have about 13 eminent scholars associated with us who have helped us understand this subject and elucidated this whole and authenticated the subject. They are from philosophy, history, archaeology, Sanskrit and literature, arts and aesthetics, Indology, mind sciences, psychology, yoga, and very many sadhaks are also there. So, of course, and they are medical persons also. So these people have really helped us in this whole journey of almost 6 years, and I should say a decade, basically. We visited about 141 archaeological sites, museums and libraries across India, and just to find out, to look for evidence. So you can, especially the young people would realize more about what India is as it stands today, the remains and whatever is in the museums. They shouldn't be in the museum, they should be in the temples, but they are there. Then we visited about 52 international sites and museums in different continents. We ourselves were very shocked that so many things which we found missing in our ancient temples were there at the museums, and they call it Southeast Asia. That is the part. India is not there. Of course, Buddhism is there, Tibet section is there, but India word is not there. So we really wonder why it's not there. And of course, now Modi ji is bringing a lot of those murtis, but I think this is also very important that we call it India. Yeah, it's very much
of theatrical size and standard. So, of course, and if you have some institution, you can show it. You can write to us, and then it's all freely available. And we want to disseminate it in as much possible ways and the different means through which we can share this knowledge with our people and, of course, the world. And recently, just 2 days back only, I got a call from South America, from Brazil, and they wanted to know about our civilization. And I was wondering why they want to know, because they are from so far away place. So they told me that we are not the natives of Brazil. We have come from different places, like a lot of Europe nations and Syria and other places. And I said, Syria and all these places? So why are you interested in this? How come you know? They said, these people, Yogananda and all these people, they come and teach us, they taught us yoga and meditation and all that, but they never talked about Indian culture and civilization as such. So now that your films talk about that, we want to know more about it. And then they said, we understand karma, we understand rebirth. And I was wondering, why is it so? So then when you just look far beyond in our scriptures, people from here had gone to these places, they had won these lands. And of course, you would know that a lot of our kings, ancient kings, had conquered those lands and they lived there, they had their empires. And probably we could, you know, trace all that history. And when these people say that we came from Syria and they are in Brazil now and they want to know more about it, this is a very good sign that we can share this knowledge with the world. So with this, thank you so much. You can visit Vishuddhi Films YouTube channel and watch this. And thank you again, Sangam Talks. Thank you so much. सबको मेरा नमस्कार. मैं बहुत अपने आप को छोटा महसूस कर रहा हूँ. इतनी विशिष्ट व्यक्तियों के बीच में और इतने ज्ञानी और इतने प्रबुद्ध व्यक्तियों के बीच. मैंने अभी इनका इनकी वो विशुद्धि, इनका जो ये चित्र देखा है, चलचित्र, बहुत ही सार्थक और बहुत ही सटीक और बहुत ही आज के समय में आवश्यक कि पूरा देश हमारा, हमारे लोग, खासकर हिंदू लोग, हम लोग हनुमान सिंड्रोम से ग्रसित हैं. हनुमान सिंड्रोम, जब हनुमान जी को रामेश्वरम में कहा गया, जब सबको कहा गया कि किसी एक को वहाँ जाना है सीता को ढूंढने, तो सब चुप थे. वैसे भी हम लोग कभी भी ऑफर नहीं करते कि मैं करूँगा, आदेश की इंतजार करते हैं. तो कोई नहीं बोला, तो जामवंत जी ने कहा हनुमान को कि तुम क्यों पीछे बैठे हो, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो. क्योंकि हनुमान जी को श्राप दिया था साधुओं ने, वो जब बालक थे तो इतने शक्तिशाली थे कि ऋषियों को कमंडल समेत गंगा नदी में फेंक देते थे. तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुम्हें अपनी शक्ति याद आएगी. तो हम लोग उस सिंड्रोम से ग्रसित हैं और अब हम लोगों को इन जैसे प्रबुद्ध लोग हमको याद दिला रहे हैं कि हम क्या हैं, या हमारा सत्य क्या है, अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है. और हम आज जो हैं वो किस प्रकार के हमारे पूर्वज थे, जिनके अथक बलिदान से हम आज भी हैं जो हम हैं. नहीं तो हम शायद हम भी ना वो रहते कई लोगों की तरह जो और हो गए. तो बहुत कालचक्र चलता है
और ये भी एक भगवान की कृपा है कि जब पाप जब हद से होता है तो तेरा अवतार होता है, तो इसलिए कोई ना कोई युग पुरुष प्रकट होता है इस देश में। इस देश पे, इस धरती पे ये भगवत कृपा बड़ी पुरानी है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति प्रकट होता है जो वो वराह अवतार की तरह, वराह ने तो पृथ्वी का उद्धार किया, तो ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति जो होता है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को फिर निकालता है, ऊपर करता है, उसे उसे फिर उसके अपने स्वरूप में स्थित करने करता है, स्वरूप में स्थित करता है। तो मैं सोच रहा हूं ऐसा जमाना है कि एक समय था अंग्रेजों के समय, तो जो त्याग था वो भगत सिंह जैसे लोगों ने दिया, पर 47 के बाद मैं सोचता हूं कि हमें अब मार्टिरडम, बलिदान की परिभाषा बदलनी पड़ेगी। मैं उस बच्ची गिरिजा टिक्कू को आजकल की महान बलिदानी मानता हूं, और हम लोगों को उसके बलिदान को समझ के उसके साथ जो हुआ वो हम लोगों की कायरता के कारण हुआ। हमारी जो कायरता, जो हमारे जिस कायरता को हम सुभाषिताओं में छुपाते हैं, सत्यमेव जयते, जो करेगा सो भरेगा, कुछ नहीं होता। सत्य को स्थापित करने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, और जो करता है वो भरता है। हमने नहीं देखा, जो जब तक आप किसी की को कीमत चुकाने पे मजबूर नहीं करते तो कीमत मिलती नहीं। देश को, हमारे नई जनरेशन को, मैं मानता हूं कि हमारी से जो हमारी मेरी जनरेशन, तो मैं तो 82 साल का हूं, मेरी जनरेशन तो कमजोर और सब चीजें भूली बैठी थी, मेरे से अगली भी भूली बैठी थी। अब जो जनरेशन, यंग जनरेशन है, वो मैंने कई बार अनुभव किया है कि वो ज्यादा जागृत है और उनको ये बातें ज्यादा समझ आ रही हैं, और आशा है कि आने वाले समय में बदलाव आए, बदलेंगे हम, देश बदलेगा। अभी भी हम लोग ऐसे भाई साहब जैसे लोग या राहुल जी जैसे लोग, ये लोग अभी भी एक कम है, एक बड़ी छोटी संख्या है, बहुत छोटी संख्या है। ज्यादा लोग जो हैं हिंदू लोग, उनमें जो लोभ है ना, लोभ सबसे बड़ा रुपया बहुत ज्यादा है, और धर्म, समाज, संस्कृति बड़ी दूर की बातें हैं, बड़ी दूर की बातें हैं। मैं राहुल जी को बहुत ही साधुवाद कहता हूं, और आपको तो है ही, और सर आपको भी, क्योंकि भामाशाह के बगैर राणा प्रताप नहीं चलते, तो आपका साधुवाद, और आप सबका कि जो आप इस इतने सस्ता समय बीतने के बाद इतने महंगे प्रोग्राम में आए। एक बार जिक्र करूंगा कि कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी है, नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, उसमें ये कहा कि इतना सक्षम पर्शिया, दरियूस और सरसीज और ये वो एम्पायर बिल्डर्स, अरब इन्वेडिंग आर्मीज ने 30 साल में उस पूरे ईरान को, पर्शिया को हरा ही नहीं दिया, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। और
पेशावर जो वर्चुअली बॉर्डर पे है 200 किलोमीटर 300 और जोड़ लीजिए, कटक सिंध से पार जो बॉर्डर आता है अफगानिस्तान का, वहां से लेके दिल्ली तक 1384 किलोमीटर आने में उन्हीं सेनाओं को 400 साल लग गए, 400 years. Every inch was fought. एक भी वर्ष नहीं था, एक भी महीना नहीं था जबकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई युद्ध नहीं कर रहा था. जबकि हमको ये पढ़ाया गया, समझाया गया कि हम तो लड़ाई के बाद लड़ाई हारते रहे. और हमारे में, मुझे अलबेरूनी, आपने तो पढ़ा ही होगा, अलबेरूनी ने जो महमूद गजनी के साथ आए थे, वो पर्शियन थे, कन्वर्ट थे, बहुत विद्वान थे और बड़ी ही अच्छी किताब उन्होंने भारत के बारे में लिखी है, अलबेरूनी इज इंडिया, ट्रांसलेशन में मिलती है. उन्होंने कहा कि हिंदू हमसे तीन प्रकार डिफरेंट हैं, अलग हैं, हमसे मतलब इस्लाम से, मुस्लिम से. पहला, हिंदू मौत से नहीं डरता. दूसरा, ये 11वीं शताब्दी है सर, दूसरा, हिंदू हमेशा सच बोलता है. और तीसरा, हिंदू को अपने ज्ञान पे बड़ा अहंकार है. आज तीनों बातें पलट गई. अब हिंदू सात जनरेशंस के लिए पैसे इकट्ठे करता है. अब हिंदू जब बोलता है तो सच को छुपाने के लिए बोलता है. और हमारे यहाँ तो ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान तो सारा पश्चिम में है. हम तो कटोरा लेके बैठे हैं. आप कोई यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लीजिए, किसी सब्जेक्ट का देख लीजिए, एक भी भारतीय ग्रंथ रीडिंग लिस्ट में नहीं आता, किसी सब्जेक्ट में भी. ये दुर्दशा है. हमारा संविधान अंग्रेजी में है, कोर्ट में आप हिंदी का वर्जन नहीं बता सकते. आपको अंग्रेजी के संविधान ही ऑथेंटिक है, उसी को पढ़ा सकते, उसी को दिखा सकते हैं. और 15 अगस्त हम झंडा इसलिए चढ़ाते हैं कि 15 अगस्त को जापानियों ने माउंट बैटन के सामने अपने हथियार डाले थे. ये तो हमारी स्वतंत्रता है. हमारा स्वतंत्रता तो नहीं हुई, बंटवारा हुआ. हम सब जानते हैं कि इटली ने अप्रैल 45 में 3 आदमियों का डेलीगेशन भेजा था, ये कह के कि देश का बंटवारा नहीं करना. जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उनको ऑटोनोमी देनी है, पर केंद्र में सारी पावर रहेगी. जिन्हा मान गया, नेहरू और गांधी ने ना कर दी. क्या कारण थे हम सब समझते हैं. जिन्हा के सामने उनको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, उनको पता था मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा. और फिर 2 महीने बाद वो बंटवारा लेके आए और वो बंटवारा हुआ. पंजाब में भाई साहब जानते हैं, हम लोग कभी भी आजादी नहीं कहते, बंटवारा कहते हैं, बंटवारा. धन्यवाद जी. आई वुड हैव अ क्वेश्चन फॉर विशुद्धि फिल्म्स. So, which would you say was the last generation of Indian resistors? The ones we saw in the movie was ancient India, but around which century or year or group of people would you say were the last resistors against the Mughal? इस एपिसोड में हम सिख रेजिस्टेंस से इसको समापन कर रहे हैं और उसमें गुरु तेग बहादुर जी का जो स्पिरिट है वो कहाँ से आया, from where he is getting inspirations. तो अभी कपिल कपूर साहब थे प्रोफेसर, उन्होंने कहा ना कि भारतीय कभी मरने से नहीं डरते थे. तो कैसे वो महाभारत पढ़ते थे, कैसे पुराण और शास्त्र पढ़े उन्होंने, और वो एक शक्ति है जो वहाँ हमें दिखाई देती है. उसको हमने बहुत हाईलाइट किया है, महाभारत की चीज़ को. और दूसरी चीज़ उसमें ये देखी गई है कि कभी भी हमारे जो जिनमें क्षात्र धर्म होता है ना, वो हमेशा
ब्रह्म दर्शन को साथ में लेके चले हैं। तो आपने देखा होगा कि उनके साथ भी दो ब्राह्मण भाई थे, तो वो क्या है कि आपकी दृष्टि को बहुत उज्जवल रखते हैं, फिर शरीर बहुत छोटी चीज हो जाती है। और ये जानने की बात है, और गहराई में जाएंगे जैसे संजीव ने बताया अभी, कि कैसे ये, मतलब मैं तो रोमांचित हो जाता हूँ कि कैसे रिवॉल्वर उठा के ठोक देते हैं और उनको पता है कि इसके बाद हमारा मतलब फांसी होगी, लेकिन वो क्या शक्ति है वो जो अब नहीं है, कितना हमें उत्पीड़न हो रहा है देश के अलग अलग जगहों पे, धार्मिक शक्तियों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कोई अंदर से ज्योति दिखाई नहीं देती कि रेजिस्टेंस हो जाए और वो अब दिखता नहीं है।